गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग ऑफ इंडियन यूट्यूबर सलमा चैनल। एंड आई होप कि आप लोग सेफ एंड हेल्दी होंगे। एंड लिटरली मैं बहुत दिनों बाद जो है आप लोगों के साथ कुछ अच्छा सा अमेजिंग सा ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ, जिसमें बहुत कुछ होने वाला है आज के ब्लॉग में। तो ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिए। एंड आज जो है संडे का ब्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। टोटल लंच रूटीन शेयर करूँगी, हेयर केयर रूटीन शेयर करूँगी, क्योंकि आज है संडे तो आज हेयर मास्क लगाने की बारी है। एंड थोड़ा बहुत जो है हम लोग कलकत्ता जाने की तैयारी चल रही है हमारी, तो कैसी चल रही है नहीं चल रही है उसकी भी अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बिकॉज बहुत दिन हो चुका है मैंने आप लोगों के साथ कुछ भी अच्छे से शेयर नहीं किया है। साथ ही साथ जो है आप लोगों को यहाँ का एरिया दिख रहा होगा, टोटली साफ़ हो चुका है, बहुत कुछ जो है हमारा पैकिंग हो चुका है, वो सब कुछ अपडेट मैं आज के ब्लॉग में देने वाली हूँ आप लोगों को। तो ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। ब्लॉग मैं बहुत दिनों से शेयर नहीं कर पा रही बिकॉज ऑफ द रीज़न कि मेरा, इसके बारे में मैं इन डिटेल्स में बाद में ब्लॉग में शेयर करूंगी। बट अभी के लिए जो है मैं जल्दी से हेयर मास्क शेयर कर देती हूँ, मैं क्या क्या इंग्रेडिएंट डाल के जो है मेरा हेयर मास्क तैयार करती हूँ, क्योंकि अभी जो है मॉनसून सीज़न टाइप का ही चल रहा है, विंटर सीज़न आने वाले हैं, तो हेयर्स में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो चुकी है मेरी। आप लोगों को दिख रहा होगा, आई होप सो। नहीं दिख रहा होगा तो ऑन कैमरा नहीं दिखता है, तो ऑफ़ कैमरा तो बहुत ज़्यादा ही डैंड्रफ दिखता है। एंड मेरे हेयर्स को ना बहुत ज़्यादा ईचीनेस की प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे लगा कि ये परफेक्ट टाइम है हेयर केयर करने का। तो मैंने दो तीन इंग्रेडिएंट डाल के जो है हेयर मास्क बनाया है, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो यहाँ जो है मैंने ग्राइंडर में, जैसे कि देख पा रहे हो, एलोवेरा एक मीडियम साइज़ का था, उसको कट करके उसका जो प्लम्प है वो निकाल लिया है ग्राइंडर में। देन उसके बाद जो है एक और इंग्रेडिएंट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बेसिक टू इंग्रेडिएंट से मैंने ये हेयर मास्क बनाया है, जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है डैंड्रफ एंड इची स्किन स्कैल्प वाले हेयर्स के लिए। तो मैं सबसे पहले, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पर एलोवेरा ले लिया है, जेल ले लिया है, जेल मतलब प्लम्प ले लिया है, फ्रेश प्लम्प। आप चाहे तो एलोवेरा जेल भी जो मार्केट में मिलता है वो भी यूज़ कर सकते हैं एज अ हेयर मास्क। देन उसके बाद में एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ लेमन जो है उसको हाफ कट कर लिया है, उसका जस्ट मैं हाफ स्लाइस ऑफ लेमन का जूस इसमें ऐड कर रही हूँ अच्छी तरीके से। तो जैसे कि देख पा रहे हो मैंने जो है लेमन को अच्छे से स्क्वीज़ कर लिया है। अब जो है ये रेडी है, इसको हम लोग एक बार मिक्सी में चला लेते हैं एक बार के लिए। जैसे कि देख पा रही हो अच्छी तरीके से ब्लेंड हो चुका है एंड बहुत ही ज़्यादा लिक्विडी हो चुका है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। तो इसको मैं विदाउट छाने ही अच्छे से अपने हेयर्स में अप्लाई कर लूँगी। ये बबल्स बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हेयर्स के लिए। तो चलिए जल्दी से मैं इसे अपने हेयर्स में, टिप्स में, रूट्स में, पूरा हेड में अच्छे से अप्लाई कर लेती हूँ।
हेयर्स में जो है मैंने अच्छी तरीके से एलोवेरा जेल एंड लेमन जूस को अप्लाई कर लिया है। इसको मैं 2.5 घंटे तो नहीं रख पाएंगी, बट ऑलमोस्ट 1.5 घंटा से 2 घंटा मैं रखूँगी इसको अच्छे से सूखने नहीं दूंगी, क्योंकि टोटली मार्क्स को अच्छे से सूखने देना नहीं चाहिए, बिकॉज वो हमारे हेयर से ना एक्स्ट्रा नरिशमेंट सोख भी कर लेता है कभी कभार। तो इसीलिए ऑलमोस्ट 70-80% जब ये अच्छे से सूख जाएगा, देन उसके बाद नॉर्मल माइल्ड शैम्पू से मैं वॉश कर लूँगी। उसके पहले जो है मैं आप लोगों को एक नया चीज़ दिखाती हूँ जो कि हम लोगों ने लिया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा अफोर्ड डबल में मिला था मुझे, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ इसकी, ये है गाइस चटाई जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, एंड इसका कलर भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ब्लू एंड पिंक। इसका कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, मैं खोल के आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर रही हूँ, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा चटाई क्या शेयर करूँ आप लोगों के साथ, बट ये शेयर कर रही हूँ कि ये मैंने लिया हुआ है, एंड आप लोग बिलीव नहीं कर पाओगे कि ये मुझे कितने में पड़ा है। टोटली न्यू चटाई है एंड बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल में पड़ा था मुझे, ऑलमोस्ट मुझे 220 रुपीज़ में, मतलब ऑल बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। ये मार्केट में ख़रीदने जाओ ऑलमोस्ट ये 450 रुपये का डबल बेड का जो चटाई होती है वो रेट पड़ती होगी। अगर आप लोग ख़रीदते होगे तो कमेंट करके बताना आप लोगों के वहाँ जो है डबल बेडशीट का जो चटाई है, बेड का जो चटाई होती है वो उसका रेट कितना होता है। मेरे यहाँ पे मैंने इसको 220 में लिया हुआ है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल में मिला मुझे, इसलिए मैंने ले लिया है, क्योंकि विलेज में हमें बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। कैसे पड़ने वाली है, नहीं पड़ने वाली है, वो आप लोगों को आगे अपकमिंग ब्लॉग्स में देखने को मिलेगा। एंड बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट गाइस, बट कुछ भी नहीं किया जा सकता है। तो चलिए अभी के लिए मैं जो है मैंने आप लोगों को दिखा दिया, ये नया चीज़ हम लोगों ने ख़रीदा हुआ है तो मैंने शेयर कर दिया आप लोगों के साथ। साथ ही साथ मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया था मीशो ऐप से एक कुर्ती, वो मुझे आज रिसीव हो चुकी है, जिसका मैं जो है टोटल रिव्यू आप लोगों को एंड ऑफ द ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। तो उसके लिए जो है ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल एंड गुड क्वालिटी का जो कुर्ती सेट है वो मुझे मिला है, 500 रुपीज़ का है वो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा एंड थोड़ा अलग कलर का मैंने लिया हुआ है, मुझे कलर बहुत ज़्यादा पसंद आया था। उसका कोड, उसका टोटल डिटेल्स जो होगा सारा डिस्क्रिप्शन में होगा, तो ज़रूर जाके चेकआउट कीजिएगा। बट अभी के लिए जो है ब्लॉग एंजॉय करते हैं, अभी जो है मैं लंच बनाने वाली हूँ, लंच में क्या बनाने वाली हूँ वो मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अभी के लिए मैं इसे सूखने देती हूँ, साथ ही साथ थोड़े बहुत कपड़े हैं, कपड़े मुझे वॉश करने हैं, तो चलिए कपड़े वॉश कर लेते हैं, देन लंच की तैयारी करते हैं, देन मैं आप लोगों के साथ जो है कुर्ती हॉल शेयर करती हूँ। हे गाइस गुड इवनिंग बोल सकती हूँ मैं, अभी इवनिंग का टाइम हो चुका है एंड बारिश हो रही है बाहर, तो बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत जो है आप लोगों को आवाज़ आएगी। तो आप लोगों ने देख लिया था कि लंच में हमारा क्या था, नॉर्मल प्लेन राइस थी एंड मटन करी थी, जो कि मैंने आप लोगों को छोटा सा जो था लुक कैसा दिख रहा था हमारा लंच वो मैंने शेयर कर दिया, होप आप लोगों को अच्छी ज़रूर लगी होगी। एंड अभी जो है शाम का टाइम है, शाम की दियाबत्ती का टाइम हो चुका है, बट उसके पहले जो है मैं अपना ब्लॉग एंड करने चाहती हूँ, बिकॉज अभी मैं जो है अपना जो हेयर मार्क्स है उसका रिजल्ट दिखाऊंगी, साथ ही साथ जो मीशो से मैंने कुर्ती ली हुई है वो भी मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर देती हूँ, ताकि मैं जल्दी से जल्दी ब्लॉग एंड करके अपना जो है डिनर रूटीन वो कर पाऊँ। वो डिनर रूटीन जो है मैं शेयर नहीं कर रही हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, जो है मैं अपना हेयर रिजल्ट शेयर कर रही हूँ। आप मेरे हेयर्स को थोड़ा क्लोजली देख सकते हो कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट एंड शाइन
हो रहा है। यस, मैंने हेयर्स को अच्छे से झाड़ लिया है। झाड़ने के बाद ही ये रिजल्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सॉफ्ट एंड बिल्कुल ही खुजाल नहीं हो रही है हेयर्स में, ये मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि स्पेशली मैंने उसके लिए ही हेयर मास्क लगाया था, ताकि मेरा जो स्कैल्प है वो बहुत ज़्यादा ईची फील हो रहा था, तो वो ईचीनेस जो है बहुत हद तक ख़त्म हो चुकी है वो हेयर मास्क अप्लाई करने के बाद। तो रिजल्ट आप लोगों को लाइव मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने नॉर्मल माइल्ड शैम्पू से ही वॉश किया है, बहुत रगड़ रगड़ के वॉश नहीं किया है। और हाँ, थोड़ा सा जो है एलोवेरा के रेसिड्यू रहते हैं हेयर्स में, क्योंकि हम लोग नेचुरल या प्योर एलोवेरा प्लम्प यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत रहता है। तो प्लीज़ अच्छे से झाड़ लीजिएगा, देन आपका जो हेयर से उसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा आने वाला है। तो अभी के लिए जो है आई होप आप लोगों को जो है हेयर मेरा जो लुक है हेयर्स का वो अच्छा ज़रूर लग रहा होगा। मुझे बहुत ही ज़्यादा पर्सनली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फील हो रहा है। तो अगर आप लोगों का भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो रही है इस सीज़न में, विंटर आने से पहले एंड रेनी सीज़न ख़त्म होने के बाद वाला सीज़न में, तो ज़रूर से ज़रूर ये जो हेयर मास्क है सिंपली टू इंग्रेडिएंट्स से मैंने बनाया था, जैसे कि आप लोगों ने देखा, तो यूज़ ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही अमेजिंग सा रिजल्ट आप लोगों को मिलने वाला है। फेस को क्यों इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले ही सो के उठ के चाय पी के आप लोगों के साथ जो है ये वीडियो को शेयर कर रही हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले दिखा देती हूँ कि मीशो से मैंने क्या मंगाया है। हेयर को जो है मैंने थोड़ा सा सेट कर लिया है एज यू कैन सी, एंड थोड़ा सा आगे लेके आती हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा दिखा देती हूँ। तो ये है पार्सल जो कि मैंने ओपन कर लिया है, ओपन करके देख भी लिया है, मैं आप लोगों को बस दिखा देती हूँ। एंड इसका प्राइस एंड जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कोड होगा, अगर आपको पसंद आए ये सिंपल सा प्लेन कुर्ती, तो आप जाके वहाँ से बाई कर सकते हैं। एंड मीशो ऐप तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि कोई परचेस लिंक नहीं होता है, जस्ट उसका जो कोड है वो आप टाइप करोगे उसका सर्च बार में, तो इजीली वो प्रोडक्ट आप लोगों को मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप लोग परचेस कर सकते हो। तो ये है वो कुर्ती, बहुत ही प्यारा एंड सिंपल कलर का है, एंड कलर आप लोग देख पा रहे हो बहुत ही प्यारा सा पर्पली पिंक कुर्ती है। मैं आप लोगों को ओपन करके भी दिखा देती हूँ। एंड ये जो सेट है गाइस, इसमें कोई पैंट अवेलेबल नहीं था, जस्ट उसका कुर्ती एंड दुपट्टा ही था, तो इसका पैंट आप लोगों को खुद से ही परचेस करनी पड़ेगी, या आपके घर में अगर इसी कलर का कोई पैंट हो तो आप पहन सकते हो। एंड ये तो मुझे फुल लेंथ का आ रहा है, तो शायद ही पैंट पहनने की ज़रूरत पड़ती होगी, बट पहन लेना इस बेटर ऑप्शन। तो सबसे पहले जो है मैं उसका जो दुपट्टा है वो दिखा देती हूँ आप लोगों को। इसका जो दुपट्टा है गाइस कुछ ऐसा है, एंड ये रेयन मटेरियल का है, मैं मटेरियल भी बता देती हूँ आप लोगों को। एंड ये कपड़ा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, आपको आयरन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका जो दुपट्टा है वो कुछ ऐसा है, थोड़ा सा फ्रंट से मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसमें प्रिंट किया हुआ है, वो जड़ी का काम नहीं है, जस्ट प्रिंट किया हुआ है कपड़ा है। एंड इसका लेंथ बहुत ही अच्छा खासा है, आप लोग देख पा रहे हो। एंड इसका एंड में मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, एंड में कुछ ऐसा सिंपल सा डिज़ाइन है, एंड चारों साइड में ऐसे सिंपल सा टैशल दिया हुआ है। इसका लेंथ आप लोग देख पा रहे हो, वेट मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, लेंथ आप लोग देख लो, काफ़ी अच्छा लेंथ है। मुझे इसका कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा, आप लोगों को कैसा लग रहा कलर इसका कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड इसका जो कुर्ती है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, अभी ट्राई ऑन नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैंने ना साइज़ बहुत ही भयंकर वाला गलत ले लिया है, क्योंकि मैं पहली बार ऑनलाइन शॉप कर रही हूँ, तो मैंने जो है इसका साइज़ लिया है एक्सेल, क्योंकि मैं ऑफलाइन ख़रीदती हूँ, ऑफलाइन में मेरा जो साइज़ है वो एक्सेल है, तो मैंने एक्सेल ही ऑर्डर किया था, बट एंड मुझे रिसीव भी एक्सेल ही हुआ है, बट जो साइज़ है ना वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो मुझे ऑल्टर करने पड़ेगा, देन उसके बाद ही मैं आप लोगों को लुक बुक शेयर कर पाऊँगी, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आप लोगों को। बट अभी के लिए जो है ओवरऑल मैं जो है कुर्ती आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो कुर्ती जो है
वो एक मिनट मैंने उसको उल्टा कर दिया है क्योंकि मैंने ट्राई किया था तो बहुत ही ज़्यादा लूज हो रहा है, तो मुझे ना ऑर्डर करना चाहिए था एल साइज तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट होता। एंड ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ये कुछ ऐसा है, फ्रंट इसका ऐसा है एंड स्लीव्स आप देख लो, ये फुल स्लीव का है एंड इसमें यहाँ बटन भी दिया हुआ है जो कि पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लुक आने वाला है। एंड इसका बैक साइड में बहुत ज़्यादा प्लेन है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, एंड इसका जो घेर है वो भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, घेर आप देख सकते हो कितना ज़्यादा घेर है। मुझे तो ये फुल लेंथ आ रही थी एंड इसका पिक्चर मैं साइड में दे दूंगी तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये कैटलॉग में कैसा दिखता है नहीं दिखता है। आई होप आप लोगों को मैंने अच्छे से समझा दिया होगा, कलर दिखा दिया होगा, पैटर्न दिखा दिया होगा, मटेरियल बता दिया होगा, प्राइस भी स्क्रीन में मैंने डाल दिया है, साथ ही साथ जो कोड है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। होप आप लोगों को टोटल इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी इस कुर्ती के बारे में, कैसा लगा ये कुर्ती मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। होप ये छोटा सा हॉल, सिंगल क्लोथिंग हॉल आप लोगों को अच्छी लगी होगी, साथ ही साथ जो है मेरा हेयर मास्क का जो प्रोसेस है वो अच्छा लगा होगा, रिजल्ट इसका अच्छा लगा होगा, कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए जो है ब्लॉग को मैं कर रही हूँ एंड, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम है जो कि मैं ऑफ कैमरा करने वाली हूँ, ब्लॉग में शेयर करने जाऊँगी तो ब्लॉग हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा लेंदी, तो लेंदी ब्लॉग ना करते हुए मैं आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ नए ब्लॉग में एक नए दिन के साथ, तब तक लिए बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गाइज कमेंट एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर मेरा जो छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा जरूर लगा हो तो।